हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स। कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में अब हमारा लास्ट क्लास है ये डिफरेंशिएशन का। इसके बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशन, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अनुप्रयोग। मैक्सिमा एंड मिनिमा का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम आज आपको इसके एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, मतलब उसके अनुप्रयोग पढ़ाएंगे। पहले पार्ट में मैं आपको सिखाया था कि किस तरह से किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं, उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करते हैं। आज हम देखेंगे कि उसका एप्लीकेशन क्या है, उपयोग किस तरह से होता है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है देखिए, और ये आपको दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अब मैं कंप्लीट मैथमेटिक्स को दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ सकते हैं और मैं एनसीईआरटी के ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो तो x y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 10, देन फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। तो किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखिए आप। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो को लिख लेना है। तो हमको दिया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है और जिसका हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है वो हमारे लिए फंक्शन है। तो उस फंक्शन को आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। तो उसको अपन सपोज कर लिए, लेट p इक्वल टू x इंटू वाई। अब हमको क्या करना है, इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा चेंज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हमको इसको एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, या तो सिर्फ x के फॉर्म में या तो सिर्फ y के फॉर्म में। सभी क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम यदि यहाँ y का वैल्यू पुट अप कर दें तो दैट इम्प्लाइज इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं p इक्वल टू x इंटू y का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस x। ये होएगा 10 माइनस x, क्लियर। तो p इक्वल टू वाई एक्स इंटू 10 माइनस x हो जाएगा। दैट इंप्लाइज p इक्वल टू, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 10x माइनस x स्क्वायर। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने के लिए पहले हमको f डैश x फाइंड करना होता है। नाउ डिफ्रेंशिएट, देयरफॉर dp by dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस x स्क्वायर। दैट इक्वल 10x का डिफ्रेंशिएशन 10 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 2x, क्लियर। देयरफॉर फॉर मैक्सिमा मिनिमम, ठीक है, या फिर अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें यहीं पर, क्योंकि हमको यहाँ मैक्सिमम दिखाना है, ओनली शो करना है। तो शो करने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट, ये हो जाएगा डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे 10 का 0 हो जाएगा और मिलेगा अपने को -2। अब आप रिलेशन को इसको देखो, यहाँ हमको माइनस मिल गया तो ये जो वैल्यू है क्या है, लेस देन जीरो है। तो नेचुरली क्या देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ये जो फंक्शन है परमानेंट वो तो निगेटिव ही हो गया, और निगेटिव होने पर क्या देता है, हमको मैक्सिमम वैल्यू देता है। ये तो केवल हमको फॉर्मेलिटी के लिए शो करना है, वैसे क्वेश्चन में खुद बोल दिया है लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देयरफॉर फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा, यहां तो मैक्सिमम बस लिख सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब इसके वैल्यू को हमको 0 होना चाहिए। देयरफॉर इसका वैल्यू पुट अप कर दो आप, 10 माइनस 2x इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 5। तो ये हो गया, x का वैल्यू 5 आ गया, क्लियर। अब जब x का वैल्यू 5 आ गया तो इसके लिए हम y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा।
therefore, from first. अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो रिलेशन है उसमें x का वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 + y = 10, दैट इंप्लाइज y इज आल्सो 5. ये हो जाएगा, तो y का वैल्यू भी कितना हो गया, 5 हो गया. तो अब हमको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, अतः इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा, p इक्वल टू x इंटू y है, दैट इक्वल टू x का वैल्यू भी 5 और y का वैल्यू भी 5, दैट इक्वल टू 25 इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू. इस तरह से हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगा, दैट इज 25. ओके, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है. इसी तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. एक एक करके मैं क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करते जाऊंगा. ये पहला क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था. ठीक है, आंसर टेली कर लें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं ये. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं अपन. देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो धनात्मक संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 60 तथा x इंटू वाई क्यूब उच्चिष्ट हो. सेम ऐसी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फंक्शन उसे कॉम्प्लिकेटेड है. वैसे इसमें जो क्वेश्चन है लगभग इसी तरह के सिमिलर रहते हैं क्वेश्चन. आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैक्सिमम मिनिमम के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही बनते हैं. ठीक है, इट्स सॉल्यूशन. देखो, सबसे पहले हम देख लें कि हमको क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 60. दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट. x प्लस वाई 60 दिया है और जिसका हमको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है x इंटू वाई क्यूब, उसको हम p सपोज कर लेते हैं x इंटू वाई क्यूब. फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सो दैट x प्लस वाई इक्वल 60 एंड x y क्यूब इज मैक्सिमम. ये हो गया, दैट इंप्लाइज p इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया कि रिलेशन फर्स्ट से x या y के वैल्यू को यहाँ पर हम पुट अप कर देते हैं, ये क्यूब है. तो उसके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, या तो x का वैल्यू पुट करो या तो y का वैल्यू पुट करो. तो नेचुरली यदि हम यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पुट करें तो क्यूब बनेगा और क्यूब को हमको एक्सपांड करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा. तो यहाँ पर हम y का वैल्यू पुट अप करने के बजाय वहाँ से x का वैल्यू पुट अप कर देते हैं, जो कि आसान होगा. किसी का भी वैल्यू हम पुट अप कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू पुट अप करेंगे तो x इक्वल टू 60 माइनस y होगा. ये हमने लिख दिया 60 माइनस y और इंटू y क्यूब. दैट इम्प्लाइज इसको सिंप्लीफाई कर लें तो p इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू y क्यूब माइनस y टू द पावर 4. ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट देयरफॉर. अब हमको इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि वो हम डिसाइड करते हैं कि हमको x के रेस्पेक्ट में करें y. तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो डी पी बाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा ये 180 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई क्यूब. ये हो जाएगा. नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट. दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा d2p. d2p/dy² इक्वल टू हो जाएगा 360 इंटू वाई माइनस 12y². ये हो जाएगा d2y/dy² का वैल्यू. नाउ फॉर मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू को 0 के इक्वल करते हैं. तो dp/dy = 0. अब इसके वैल्यू को रख के अपन डिफ्रेंशिएट 0 कर दें तो हो जाएगा 180y² ये dp/dy का वैल्यू 180, ये हो जाएगा माइनस 4y³=0. यहाँ से हम निकाल लेते हैं y का वैल्यू, दैट इम्प्लाइज y² हम यहाँ से कॉमन निकाल लें तो y² कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से बचेगा 180 माइनस 4y दैट इक्वल टू 0. क्लियर. अब यहाँ पर देखो y का वैल्यू 0 होगा, देयरफॉर y = 0 आर
180 minus 4y equal to 0. But y not equal to 0. y 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि y 0 होगा तो यहाँ पर ये पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं हो सकता. तो ये होना पड़ेगा therefore 4y equal to 180, therefore y equal to 180 upon 4. तो 4 जा और 5 जा, y equal to 45. ये हमको y का वैल्यू मिल गया. y का वैल्यू मिलने के बाद ये y का वैल्यू है. अब इस y के वैल्यू को हम क्या करते हैं, रिलेशन फर्स्ट में पुट अप कर देते हैं. तो रिलेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से हम फर्स्ट में वैल्यू पुट अप कर दें. अच्छा, यहाँ पर हमको मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है, तो यहाँ पर हम चेक करके देख सकते हैं उसके वैल्यू को. यदि हम उसके वैल्यू को यहाँ पर चेक करके देखें, यहाँ वाई का वैल्यू को यदि हम यहाँ चेक करें तो हमको वैल्यू निगेटिव आना चाहिए. तो यहाँ पर मैं आपको एक बार चेक करके यहाँ पर बता ही देता हूँ ना, उसके बाद फिर अपन वैल्यू पुट अप करेंगे. देयरफॉर डी टू पी बाय डी वाई स्क्वायर इक्वल, यहाँ से देखो मैं वाई को कॉमन कर देता हूँ, तो वाई कॉमन कर दें, एक बार पूरा वैल्यू अपन पुट अप ही कर दें इसमें. दैट इक्वल 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का होल स्क्वायर. दैट इक्वल यहाँ से 12 इंटू 45 को मैं कॉमन कर रहा हूँ, 12 इंट, ठीक है. तो 360 में 12, तो ये कितना डिवाइड हो जाएगा, 12 तिया 36, 30, 45 कॉमन हो चुका है, माइनस एक 45 कॉमन 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 45. दैट इज निगेटिव वैल्यू, ये आएगा निगेटिव. यहाँ पर आप देखो 30 में माइनस 45 होगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. और जब उसका निगेटिव हो जाएगा वैल्यू तो क्या हो गया, ये लेस देन 0, और ये अपने को देगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू. तो एक बार इसको हमको चेक करके बताना है. ओके, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा. अब हम क्या करेंगे, वाई का वैल्यू की हेल्प से एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे रिलेशन फर्स्ट से. देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट में देखो वाई का वैल्यू 45 निकाला है, उस y के वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे. तो x प्लस 45, ये हमने यहाँ पर सिर्फ ये चेक किया है कि इसका वैल्यू मैक्सिमम है, ये हमको दिखाना होता है तभी हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे. तो x प्लस 45 इक्वल टू 60, देयरफॉर x इक्वल 60 माइनस 45 मींस 15, ये हो गया x का वैल्यू 15. देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पी इक्वल टू एक्स इंटू वाई क्यूब, पी इक्वल टू एक्स इंटू वाई क्यूब. तो एक्स का वैल्यू है 15 और वाई का वैल्यू है 45, तो 45 का क्यूब. दैट इक्वल, ये मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है. ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इसका, अच्छा यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें, आंसर में दिया है 45 एंड 15. अच्छा, क्वेश्चन को मैं ध्यान नहीं दिया, मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने लगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितना निकालें उतने बोलना है. दो धनात्मक संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए, माने संख्याओं को ज्ञात कीजिए बोलता है. तो आंसर आ गया, एक आंसर यह है आंसर नंबर फर्स्ट, ये है आंसर नंबर सेकंड. तो दो संख्याएं क्या है, 45 और 15, ये आंसर आ गया. और यदि आपको उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने बोलता, बाय द वे क्वेश्चन में बोलता उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो करके, तो 15 और 45 इसको मल्टीप्लाई करने से ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा. तो ये आपको नहीं पूछा है. ओके, तो ये दो संख्या क्या क्या हो गए, दो संख्या पूछा था, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, तो दे आर 15 एंड 45, ठीक है, क्योंकि आंसर में 15 और 45 दिया हुआ है. तो ये हमारा इसका आंसर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये तो हुआ नंबर पर बेस्ड. देखो आप लोग मैथमेटिक्स का इतना क्लास मेरा अटेंड किए हो, आप लोग को पता होगा कि हमको लिमिटेड क्वेश्चन कराने होते हैं.
लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन को लेकर बताऊँ, सब तरह का क्वेश्चन कवर हो जाए। खासकर एनसीईआरटी का जो क्रीम कलेक्शन है, बहुत बेस्ट कलेक्शन है, वो मैं कराने की कोशिश करता हूँ। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको नंबर पर बताया। अब इसका जो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है, जैसे आयत पर, वर्ग पर, वृत्त पर, ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके हम ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन में आते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पर है, ज्यामितीय अनुप्रयोग पर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये ज्योमेट्री पर बेस्ड एप्लीकेशन है, क्लियर। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल फॉर द मैक्सिमम एरिया। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, मतलब मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है आपको। आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स यदि हम यहाँ पर आयत बनाना चाहें तो x और y, ठीक है, हम सपोज कर लें x y, एक फिगर ही बना देता हूँ। हालांकि फिगर की हमको आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सपोज हमने एक फिगर बना लिया, ये क्लियर, ये आया था सपोज। अब इस आयत में एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो सपोज हमने इसको एक्स सपोज कर लिया, ये एक्स है, ये वाई है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, देयरफॉर इट्स पेरीमीटर P इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब ये हो जाता है 2x प्लस 2y, ये इसका परिमाप होगा। और उसको आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 100 सेंटीमीटर, दैट इक्वल हम लिख सकते हैं 100, देयर फॉर 2 कॉमन करके कैंसिल कर दूं मैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमको मिल जाएगा 50, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये निकाल लिया, क्लियर। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है देखो, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो देयर फॉर एरिया, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, ये हमारा एरिया होगा, और इसी का हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी जो क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आपको वहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहता था, यहाँ पर उसको आयत के फॉर्म में, मतलब आपको स्टेटमेंट को, क्वेश्चन के कथन को पढ़ना है, और क्वेश्चन के कथन को पढ़ के आपको एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के बाद आपको पूरा काम वैसी रहेगा। दैट इम्प्लाइज, आगे इसको हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, एरिया को x इंटू वाई है, तो एरिया a इक्वल टू, यहाँ से अपन वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो x, y का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस x, बिल्कुल आगे का वर्क वैसी जैसा हमने किया है। देयरफॉर नाउ डिफ्रेंशिएट dA बाई dx इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 50x माइनस x स्क्वेयर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 50x माइनस x स्क्वेयर, दैट इक्वल, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 50 माइनस 2x, क्लियर। अगेन डिफ्रेंशिएट करें, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, हो गया -2 विच इज लेस देन 0, तो ये हमको क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, -2 आया तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये हमको दिखाना जरूरी होता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। देयरफॉर फॉर, अब तो आगे आपको पता है वही है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी ए बाई डी एक्स विल बी 0, देयरफॉर डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू अपन यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, 50 माइनस 2x इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 25, तो ये एक वैल्यू निकल गया x का, क्लियर। तो हम y का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो फर्स्ट में पुट अप कर सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट x का वैल्यू अपने पास 25, ये हो जाएगा 25 प्लस y इक्वल टू 50, therefore y is also 25, तो वास्तव में वर्ग हो गया, ये आयत क्या है, वर्ग है। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या हमको उसका,
एक आयत का परिमाप इतना है, अधिकतम क्षेत्रफल की आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम क्षेत्रफल की आयत की भुजाएं क्या होंगी, 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। आयत की भुजाओं को 50-50 होना चाहिए ना, ये एक्स नहीं ठीक 25 और 25। तो ये इसका आंसर है कि आयत की भुजा को 25 25, दैट मीन्स स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर क्या देता है देखो, 25 एंड 25, दोनों भुजा को 25 25 होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, वैसे एक बार में आपको समझ में आएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके उसको स्टडी कर सकते हैं, आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए उसका। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है। यह बेस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इज ए स्क्वायर, ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, मैं आपको इसको फिगर बना के समझा दूँ तो आपको ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, सपोज हमने यहां पर एक सर्कल ले लिया, ये एक सर्कल है, और बोला है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल। इसके अंदर एक आयत बना लेते हैं, इसके अंदर एक आयत बना ले अपन, एक मिनट थोड़ा फिगर ड्रा करने में इसको मिटा ही दूं, मैं दूसरे तरीके से बनाता हूँ। इसके अंदर हमको बनाना है एक आयत, स्ट्रेट लाइन से ही बनाता हूं। अभी थोड़ा इसके फंक्शंस हमको ये एक सर्कल के अंदर सपोज हमने एक आयत बना लिया। अब हमको ये बताना है कि आयत क्या है, एक वर्ग है, जो मैक्सिमम एरिया कवर करेगा वो क्या होगा, एक वर्ग होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट ऐसे ही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनना, अदरवाइज फिर समझ में आने में दिक्कत होगा। हम इसका बना लेते हैं डायगोनल,
एक डायगोनल हमने ये बना लिया इसका, और दूसरा डायगोनल यहां टच है आप मान के चलेंगे ना, ये दो डायगोनल हैं, इनके हम नाम लिख दें। सपोज ये है ए बी सी डी, ये वाला एंगल को हमने सपोज थीटा सपोज कर लिया, ये थीटा सपोज कर लिया, तो अल्टरनेट एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहां पर देखो, सिद्ध कीजिए कि दिए गए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहां पर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, और इस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमको इसका उच्चिष्ट वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो हमने ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है ए बी सी, तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में यहाँ से हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, आधार मतलब ए बी बटे कर्ण, दैट मीन्स ए सी। देयरफॉर यहाँ से निकाल लो ए बी, क्योंकि ए बी लंबाई है चौड़ाई है, क्षेत्रफल निकालना है लंबाई गुणा चौड़ाई निकालना पड़ेगा, तो ए बी बराबर इसको ट्रांसफर कर दो इधर, तो हो जाएगा ए सी इंटू कॉस थीटा, क्लियर। ए बी का वैल्यू निकल जाएगा ए सी कॉस थीटा। इसी प्रकार से हम ए ट्राइंगल ले लेते हैं, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी इसमें हम निकाल लेते हैं साइन थीटा, क्योंकि यहां से हम साइन थीटा निकालेंगे तभी लंब का मान निकलेगा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी, लंब बटे कर्ण। देयरफॉर यहां से हम ए डी का वैल्यू निकाल लें, तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए सी इंटू साइन थीटा। अब हमको यहां पर निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो देखो ये लंबाई है, ये ए बी लंबाई है, और ए डी क्या है, चौड़ाई है, तो देयरफॉर उसका क्षेत्रफल एस बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई हो जाएगा, तो ए बी इंटू ए डी दैट इक्वल ए बी का वैल्यू ए सी। ए सी का वैल्यू कितना होगा, इसका कर्ण मतलब ए सी कितना होता है, यहीं पर वैल्यू को पुट अप कर दूं कि मान लो हम इसके एक भुजा की लंबाई को स्मॉल ए मान लेते हैं, ये स्मॉल ए है, तो यहां पर जो इसका कर्ण होगा वो कितना होगा, 2a होगा, क्लियर। समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा, ये a है तो ए भी a होगा। कर्ण का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से ना, पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर लें, अभी तो हमको पता नहीं है कि ये, अभी तो पता नहीं है कि एक आया था कि वर्ग है, यही तो हमको प्रूफ करना है। मान लो हम वृत्त की त्रिज्या को ये मान लेते हैं, मान लो हम वृत्त की त्रिज्या को ये मान लेते हैं, तो ध्यान रखना ये जो सेंटर है, ठीक है, ये थीटा ही होगा, ये केंद्र होगा, और ये हो जाएगा व्यास, ए सी उसका व्यास हो जाएगा, ए सी भी व्यास होगा और बी डी भी व्यास होगा, क्योंकि वृत्त के अंदर में यदि हम आयत खींचे तो उसके जो विकर्ण है वो केंद्र से होकर जाते हैं, और केंद्र से होकर जाने वाला क्या होगा, उसका व्यास होगा। तो सपोज इस वृत्त की त्रिज्या ए है, तो वृत्त की त्रिज्या ए होगा तो व्यास 2a होगा, तो यहाँ पर ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं, 2a cos थीटा, और यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं इक्वल 2a sin थीटा। अब आगे हम यदि इसका क्षेत्रफल निकालें, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान समझना, ए बी का वैल्यू 2a cos थीटा आया, ए डी का वैल्यू 2a sin थीटा आया, तो हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये इसका क्षेत्रफल है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये क्षेत्रफल s जो मैंने लिखा है वह उसका क्षेत्रफल है।
एस इक्वल टू ए बी इंटू ए डी, ए बी का वैल्यू क्या है अपने पास 2a cos theta, क्लियर, और ए डी का वैल्यू हमने निकाला है 2a sin theta, दैट इक्वल, आगे इसको हम सॉल्व करें तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख लो 2a स्क्वायर और एक 2 को sin theta cos theta के साथ में लिख दो तो हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अनएकेडमी लेके आया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑल 6 सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए, मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में पूरा आपका स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन, जिसमें आपको महाराष्ट्र के 50 प्लस टॉप एजुकेटर्स से आपके पढ़ने को मिलेगा। और इस कोर्स में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगे। फ्री क्लासेस आपको लेने हैं तो आप अनएकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जितेंद्र सर लाइव, ये कोड यूज़ करके आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक करके आप हमारे सभी फ्री क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस, बेस्ट स्ट्रेटजी एंड टॉपिक टू क्रैक एग्ज़ाम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, फ्री डेली क्विज, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, लीडर बोर्ड, ये पूरी फैसिलिटी आपको फ्री में मिलेगी। और यदि आपको हमारा फ्री क्लास पसंद आता है तो आप ले सकते हैं, आपको इस फ्री क्लास में ये पूरी फैसिलिटी मिलेगी और आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो सिर्फ 250 रुपीज़ पर मंथ पर सब्जेक्ट आपको पेड करने होंगे। और आप यदि हमारा कोड यूज़ करते हैं जितेंद्र सर लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप यदि 10th और 9th क्लास के महाराष्ट्र बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये जरूर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, राइट साइड में वेरिएबल हमारा थीटा है तो देयर फॉर डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा, दैट इक्वल 2a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, दैट इक्वल ये हो गया 4a स्क्वायर cos 2 थीटा, ये हो गया ds बाय d थीटा। अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, नाउ अगेन डिफरेंशिएट मैक्सिमम मिनिमा के लिए अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो डी टू एस बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और cos 2 थीटा का माइनस 2 साइन 2 थीटा, दैट इक्वल हो जाएगा माइनस 8 ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा इसका वैल्यू माइनस 8 ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब हमको यहाँ पर इसको बताना है कि यह निगेटिव है, हालांकि यहाँ पर वैल्यू निगेटिव आ गया है लेकिन वो थीटा पर डिपेंड करेगा, थीटा का वैल्यू यदि दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाए, तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाए तो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको इसको मैक्सिमा मिनिमा को कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको हमको जीरो करना है, ठीक है। चलिए तो हम इसमें ये मैं इसको साइड करके इस पर अगेन डिस्कस करता हूँ, ठीक है, बाद में आपको इसको कंबाइन करके दिखा दूंगा। देयरफॉर फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, डी एस बाई डी थीटा को जीरो होना चाहिए तो डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से किस स्टेप को समझिए। तो ये डी एस बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, 4 ए स्क्वायर कास 2 थीटा, 4 ए स्क्वायर कास 2 थीटा इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज ये उधर ट्रांसफर होकर जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा कास 2 थीटा इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं कास 2 थीटा इक्वल टू कास पाई बाई 2, क्योंकि कास 90 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है, ऐसा लिख सकते हैं। देयरफॉर दोनों साइड से कास रिमूव हो जाएगा इन्वर्स लेने पर तो हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, देयरफॉर
बस सीधा इसको लिख दिया मैं। चलो एक बार लिखते हैं, पाई बाई टू, देयर फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर। ये थीटा का वैल्यू आ गया पाई बाई फोर। अब हमको थीटा के इस वैल्यू के लिए हमको इसको निगेटिव बताना है, तो देयर फॉर यहाँ पर देखो डी टू एस बाई डी थीटा स्क्वायर जो हमने यहाँ पर निकाल के रखा है माइनस एट ए स्क्वायर और अंदर हो जाएगा साइन टू थीटा, तो साइन टू इंटू पाई बाई फोर दैट इक्वल ये साइन टू इंटू पाई बाई फोर, टू फोर के साथ कैंसिल होगा साइन पाई बाई टू होगा, साइन पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री, साइन 91 होता है, ये हो गया माइनस एट ए स्क्वायर विच इज लेस देन जीरो, देयर फोर क्या होगा ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हमने बता दी यहाँ पर क्या होगा ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, और किसके लिए मैक्सिमम वैल्यू देगा, वो मैक्सिमम वैल्यू देगा इसके लिए थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर के लिए। और थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर के लिए जब मैक्सिमम वैल्यू देगा तो मैक्सिमम वैल्यू फिर हो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो एस का वैल्यू है अपने पास देखो, देयर फोर क्वेश्चन में पूछा क्या है अपने को, एक बार पीछे से पढ़ लें अपन। सिद्ध कीजिए कि दिए गए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है, मतलब हमको इसको वर्ग प्रूफ करना है, इसको वर्ग प्रूफ करना है, और वर्ग प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लंबाई और चौड़ाई को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। तो लंबाई ए बी आया है और चौड़ाई कितना आया है ए डी आया है, तो लंबाई और चौड़ाई को हमको प्रूफ करना पड़ेगा। देखो ए बी इक्वल टू टू ए कॉस थीटा और चौड़ाई कितना है ए टू ए स्क्वायर, ये तो क्षेत्रफल हुआ ए डी, 2a साइन थीटा, 2a कॉस थीटा और 2a साइन थीटा, 2a कॉस थीटा 2a साइन थीटा, देयरफॉर लेंथ, लेंथ जिसको मैं l कह दिया अब वो किसके इक्वल है, l के आप ab ही कहते हैं ना, ab ही अपने को क्वेश्चन में हमने सपोज किया है, तो ab, ab इक्वल टू है 2a cos थीटा, दैट इक्वल 2a इंटू cos और थीटा का वैल्यू कितना पाई बाई फोर मैक्सिमम के लिए, तो ये हो गया पाई बाई फोर दैट इक्वल 2a cos थीटा, 2a cos थीटा ये लेंथ है, तो cos पाई बाई फोर, cos पाई बाई फोर का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो ये हो गया 2a इंटू 1/√2 दैट इक्वल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट टू इंटू ए ये हो गया लेंथ, एंड विड्थ, एंड विड्थ क्या है ए सी, ए सी इक्वल टू क्या है ए डी, सॉरी ये तो डायगोनल है उसका, विड्थ हमने निकाला था ए डी और उसका वैल्यू निकला था 2a साइन 2 थीटा, दैट इक्वल 2a इंटू साइन 2 थीटा नहीं ना ओनली थीटा, साइन पाई बाई फोर दैट इक्वल 2a इंटू साइन पाई बाई फोर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू होता है रूट टू, 1/√2 ये दैट इक्वल हो गया रूट टू इंटू ए। देयरफॉर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको लेंथ ए बी भी कितना आया रूट टू ए और विड्थ ए डी भी कितना आया रूट टू ए, तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या प्रूफ कर दिया ए डी, तो वो क्या हो गया स्क्वेयर, देयरफॉर गिवन सेफ इज स्क्वेयर, ये हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि वो सेफ क्या है स्क्वेयर है, क्लियर, तो इस तरह से प्रूफ हो जाएगा ये वर्ग प्रूफ करना है ना, ए रूट टू रूट टू ए, ठीक वर्ग प्रूफ हो गया। एक बार मैं इसको आप सबको एक साथ कंबाइन करके ये इतना सो हो रहा होगा आप लोग को कि दिख जाएगा, एक बार दिखा दूं मैं आपको केवल, सिद्ध के एक दिए गए खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है, तो
तो यहाँ पर हमने ये स्क्वायर बनाया, स्क्वायर मतलब कोई भी शेप बनाया सर्कल के अंदर, इसके बाद इसका लेंथ निकाला, लेंथ के बाद विड्थ निकाला, क्षेत्रफल निकाला, उसका मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, और लेंथ और विड्थ दोनों को हमने प्रूफ कर दिया रूट टू इंटू ए, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इस तरह से वो क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो एक वर्ग है, ठीक है, वो एक वर्ग है, प्रूफ हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आप इसको देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप मान के चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक खिड़की एक आयत के रूप में है जिस पर अर्धवृत्त बना हुआ है, इसका परिमाप 30 मीटर है, विमाएँ ज्ञात कीजिए जिससे कि अधिकतम प्रकाश अंदर आ सके। विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर सराउंडेड बाई सेमी सर्कल, इफ द पेरीमीटर बी 30 meters, फाइंड द डायमेंशन सो दैट ग्रेटेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ लाइट मे बी एडमिटेड। आपने देखा होगा कुछ इस तरह का खिड़की का डिजाइन, रेक्टेंगल होता है, ऊपर में सरमाउंटेड होता है, ऊपर में एक वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार शेप बना होता है। मैं पहले आपको फिगर बना दूं, उसके बाद आपको समझाऊं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम इसका एक फिगर बना लें। एक रेक्टेंगुलर विंडो है, तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर विंडो बना लिए। देखिए, इसको ऐसा बनाता हूँ मैं, ऐसा इस तरह का विंडो है, एक रेक्टेंगुलर है और उसके ऊपर में ये सेमी सर्कल, अर्धवृत्त सेमी सर्कल उसके ऊपर में लगा हुआ है, तो इससे मैक्सिमम लाइट एंटर कर सके, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमने इसका सेंटर सपोज कर लिया, यहाँ पर सपोज ये इसका सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, पहले इसका मैं नाम लिख दूँ, ए बी सी डी, क्लियर। तो ओ से सी तक का डिस्टेंस को सपोज इसका रेडियस है, इसको हम क्या सपोज कर लिए, एक्स सपोज कर लिए, एक्स क्या होगा, इस सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा। अब ये एक्स है तो टोटल डायमीटर 2x होगा, तो ये वाला साइड कहा जाएगा 2x, और इसके हम चौड़ाई को सपोज कर लिए वाई, ये इसको वाई सपोज कर लिया, तो ये 2x होगा, ये वाई होगा, और इसका जो परिमाप होगा, यहाँ से देखो ये सेमी सर्कल का, तो 2πr होता है, 2πr पूरा सर्कल का, तो हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो कितना हो जाएगा, 2πr में 2 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा पाई एक्स, क्योंकि हमने रेडियस को कितना लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है, तो ये सभी साइड्स के इसके लेंथ हो गए। तो देयरफॉर इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा पी, वो कितना हो जाएगा, 2x, एक बार मैं पूरा प्रॉपर रेट कर देता हूँ, ये 2x प्लस यहाँ से यहाँ तक वाई, प्लस यहाँ से यहाँ तक वो हो जाएगा पाई एक्स, प्लस यहाँ से अगेन यहाँ तक जो y के इक्वल होगा y, और इसको क्वेश्चन में हमको दिया है कितना, 30 मीटर है, क्वेश्चन में दिया है कि वो 30 मीटर है, तो इसको हमने 30 लिख दिया। दैट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं 2x और प्लस 2y, 2x प्लस 2y, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 2x प्लस y प्लस ये, तो 2x प्लस 2y प्लस पाई एक्स, पाई एक्स इक्वल टू 30। दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट, या इसको हम और आगे सॉल्व कर लें, तो यहाँ से हम y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसको हमको जरूरत पड़ेगा, तो y का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें, तो y इक्वल टू क्या निकल जाएगा, देखो 30 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, 30 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, और अपान y का कोफिशियंट है 2, ये y का वैल्यू निकल जाएगा इसके अंदर, रिलेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमको पेरीमीटर दिया, उसके हेल्प से हमने y का वैल्यू फाइंड कर लिया। पेरीमीटर समझ में आ गया, परिमाप ना, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा हो सकता है कहीं पर बाइलिंगुअल पढ़ाने से कभी भूल भी जाता हूँ कि हिंदी बताने हैं, पेरीमीटर मतलब परिमाप, इतना आप जानते हैं। अब आगे क्या बोलता है, विमाएँ जिससे अधिकतम प्रकाश अंदर प्रवेश कर सके। यहाँ पर देखो मैक्सिमम मिनिमा का कितना बेस्ट एप्लीकेशन है, अधिकतम प्रकाश अंदर कर सके।
कि इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, इसकी विमाएं क्या होना चाहिए कि उस विंडो से, उस खिड़की से अधिकतम प्रकाश अंदर जा सके। तो मैक्सिमम कंडीशन हमको निकालने पूछ रहा है नेचुरली, और यहाँ से जो प्रकाश घुसेगा कहाँ से घुसेगा, उसके क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर हम एरिया निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर एरिया इक्वल टू, यदि हम इसका एरिया निकालें तो टोटल एरिया कितना होगा, पहले इसका एरिया और इसके एरिया में हम ऐड कर देंगे, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2x इंटू वाई, ये हो जाएगा 2x इंटू वाई, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया, और प्लस इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो सेमी सर्कल अर्धवृत्त है, तो 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। इस एक्सरसाइज का मतलब, इस एप्लीकेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है, स्टेट बोर्ड में, हर राइटर के बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना। तो एरिया यहाँ तक समझ में आ गया, अब ये जो हम वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल के रखे हैं उसको यहाँ पर हम पुट अप कर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर एरिया इक्वल टू 2x इंटू वाई का वैल्यू यहाँ से पुट अप कर दें, तो 30 - 2x माइनस पाई एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर, दैट इक्वल, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो 2 के साथ में कैंसल आउट हो जाएगा, और x को अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ से 1/2 पाई एक्स स्क्वायर, क्लियर, दैट इक्वल, और सिंप्लीफाई हो रहा, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 30x माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस पाई एक्स स्क्वायर है, 1/2 पाई एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से माइनस होगा, तो माइनस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको मैक्सिमम प्रकाश, मैक्सिमम लाइट एंटर करने की बात करता है, तो इसको एरिया का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। ये एरिया है अपने पास, देयरफॉर डीए बाय डीएक्स, डीए बाय डीएक्स इक्वल टू d by dx of the area, area है 30x minus 2x square, 30x minus 2x square minus 1/2 pi x square, that equal, यहाँ पर हम differentiate करें x के respect में, हो जाएगा 30 minus 4x minus 1/2 pi into 2x, दैट इक्वल 30 - 4x, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस पाई एक्स, ये हो जाएगा। अब मैक्सिमम लाइट एंटर करने की बात करता है, तो यहाँ पर हमको डबल डिफ्रेंशिएट करने का जरूरत नहीं है, तो नाउ डी ए बाई डी एक्स फॉर मैक्सिमम लाइट एंट्री के लिए हम डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जीरो कर दें, तो 30 - 4x माइनस पाई एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, ये दोनों उधर ट्रांसफर कर दें और x को कॉमन कर लें, तो x कॉमन कर लूँगा, तो यहाँ से हो जाएगा, x कॉमन कर लें तो हो जाएगा पाई प्लस 4, ओके, पाई प्लस 4 इक्वल टू 30, देयरफॉर x इक्वल टू 30 अपॉन पाई प्लस 4 या 4 प्लस पाई, एक ही मतलब, ठीक है, ये हो जाएगा एक डायमेंशन इसका, x का वैल्यू निकला। अब इस x के वैल्यू को अपन अब क्या करेंगे, इसे y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देयरफॉर उसके लिए हमें y के वैल्यू पर जाना पड़ेगा, देखिए पीछे हम चलते हैं y के वैल्यू पर, ये y का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ तक तो हम देख के कर सकते हैं, y इक्वल टू 30 - 2x - πx/2, ओके, तो चलिए इसका वैल्यू पुट अप कर दें अपन, ये बोर्ड में यही फायदा है कि हम अगल बगल देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, तो y का वैल्यू हम निकाल लें, तो देयर फॉर यहाँ से लिख रहा हूँ, जगह ज़्यादा चाहिए, y इक्वल टू 30 - 2x, ठीक है,
30 माइनस 2 एक्स का वैल्यू ये 30 अपॉन पाई प्लस 4 माइनस पाई एक्स अपॉन 2, दैट इम्प्लाइज y इक्वल, इसको सबको वन बाय वन सब में डिवाइड कर देते हैं, बारी बारी से डिवाइड कर देते हैं 2 का, ये वाले 2 का, ठीक है। तो इस 2 को हम डिवाइड कर दें इसके साथ में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, इसके साथ 2 डिवाइड होगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 30 अपॉन पाई प्लस 4 और माइनस यहाँ 2 डिवाइड करेंगे तो पाई एक्स अपॉन 2। एक्स कहाँ से आएगा, एक्स का वैल्यू भी तो पुट करना था ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ईजी करके सॉल्व करता हूँ, रुको थोड़ा इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पर मुझे ये लेंदी लग रहा है, मैं पहले y का वैल्यू, ये भी बन रहा है लेकिन अब क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हो जाएगा। चलो यहाँ से देखो, ये y को मैं पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, y इक्वल टू कहे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ इसमें, तो हो जाएगा 15 माइनस, यहाँ से x को, माइनस x को कॉमन कर रहा हूँ तो माइनस एक्स को कॉमन करूंगा, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन करूंगा तो यह हो जाएगा पाई प्लस 2 या 2 प्लस पाई और इसके अपान में होगा क्या 2, दैट इम्प्लाइज अब हम पुटअप करते हैं 15 माइनस एक्स का वैल्यू को, अब पुटअप करता हूँ मैं 30 अपान पाई प्लस 4, ये 30 इसका वैल्यू अपान पाई प्लस 4 और इनटू फिर यह हो जाएगा 2 प्लस पाई, जितना आसानी से सॉल्व हो ऐसा करना है अपने को, दैट इम्प्लाइज y इक्वल 15 माइनस, अब यहां पर आप देखो 2 प्लस पाई अपॉन 2 भी है ना, अपॉन 2, 2 इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 और अंडर ब्रैकेट पाई प्लस 2 अपॉन पाई प्लस 4, दैट इम्प्लाइज y इक्वल, यहाँ पर 15 को एलसीएम ले लो तो 1 माइनस पाई प्लस 2 अपॉन पाई प्लस 4, दैट इक्वल 15 एलसीएम ले लिया अपन, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा पाई प्लस 4 इसका एलसीएम होगा, ये हो जाएगा पाई प्लस 4 माइनस पाई माइनस 2, ओके। कैलकुलेशन बड़ा तो है थोड़ा इसका, therefore y इक्वल 15 अंडर ब्रैकेट, यहाँ पर देखो पाई पाई के साथ में कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 अपॉन पाई प्लस 4 दैट इक्वल 30 अपॉन पाई प्लस 4, यह भी 30 अपॉन पाई प्लस 4 आ गया, x भी आया 30 अपॉन पाई पर 4 और y भी 30 अपॉन पाई प्लस 4, लेकिन आपने देखा है फिगर में कि लेंथ क्या था 2x था, तो therefore इसका जो लेंथ होगा, लेंथ जो कि 2x के इक्वल है, इक्वल टू हो जाएगा 2 और x का वैल्यू यहां से पुट अप कर दें तो 30 अपॉन पाई प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन पाई प्लस 4 और विड्थ जो निकलेगा विड्थ वो हो जाएगा y के इक्वल दैट इज 30 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये उस विंडो का लेंथ और विड्थ होगा 60 अपॉन पाई प्लस 4 एंड 30 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है, 60 अपन पाई पर 4 आंसर दिया, 30 अपन पाई प्लस 4 आंसर दिया, ठीक, ये आंसर है। तो इस तरह से निकलेगा, एक बार मैं इसको, आपने स्टेप बाय स्टेप तो पूरा कंप्लीट समझ लिया, आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स बना के चलना है, ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखो मैं इसको ये है, ये आप देखो, ये एक विंडो, दो पार्ट्स ऑफ पेरीमीटर निकाल लिए, y इक्वल टू इसका वैल्यू निकाल लिए, ये रेडिंग से लिखा है, उसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का हमने क्या किया, इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया,
फिर अधिकतम मान के लिए शून्य के बराबर किया, x का वैल्यू फाइंड किया, इस x के लिए फिर हमने y का वैल्यू फाइंड किया और उस x और y के वैल्यू को हमने पुट अप कर दिया। ये y का वैल्यू था यहाँ से, और लेंथ मतलब 2x होगा। यहाँ पर देखो लेंथ कितना है, 2x है, ये इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितना है y। तो हमको पूछा है कि इसका आयत मतलब इसका परिमापी विमाय ज्ञात कीजिए जिससे कि अधिकतम प्रकाश अंदर, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए। तो लेंथ डायमेंशन होना चाहिए 60 अपन पाई पर फोर्स, और विड्थ होना चाहिए लंबाई 60 बटे पाई प्लस फोर और चौड़ाई 30 बटे पाई प्लस फोर। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करिए, फिगर से प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो 2-3 बार आप वीडियो को कंप्लीट रिपीट करिए और बना के देखिए तो समझ में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है मेरा आज का, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट भी है, हर तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैंने आज लिए, और इस क्वेश्चन के बाद हमारा आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो मेरा आपको मिलेगा इंटीग्रेशन का, मोस्ट अवेटेड, बहुत ज़्यादा आप लोग को इंतजार है और इतने कमेंट्स आ चुके हैं। इंटीग्रेशन में रैपिड कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसी मंथ में कंप्लीट करा सकूं। वैसे बहुत सी स्टेट बोर्ड के टाइम टेबल आगे बढ़ गए हैं, कुछ स्टेट बोर्ड फरवरी में लेने के लिए हैं, लेकिन मुझे ही लगता कि कोविड-19 के कारण इस तरह से जो प्रॉब्लम आया तो इतना जल्दी एग्ज़ाम लेना चाहिए। CBSE बोर्ड ने तो मई में अपना एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया है, तो बाकी स्टेट बोर्ड भी मे भी हो सकता है उसको फॉलो करें, क्योंकि सेशन हमारा थोड़ा सा डिले चला है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। हम जनवरी के बाद फरवरी में फिजिक्स का तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, इंग्लिश मीडियम बस बचा है, तो मैथ्स का भी मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम से कम 1 मंथ पहले आपका कोर्स पूरा हो जाए। तो अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी इंटीग्रेशन पर मिलेगा। चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं अपन। शत्रु का एक जहाज वक्र y=x2+2 के अनुदिश गति कर रहा है, यह भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, कई बार आया है। एक सिपाही बिंदु 3-2 पर है, सिपाही व जहाज के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, पहले आपको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, उसका एक पॉइंट दिया है, तो सिपाही और उसके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, देखिए किस तरह से बनेगा। हमको क्वेश्चन में दिया है y=x2+2, सपोज दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये दिया है y=x2+2। अब एक बिंदु से 3-2 का डिस्टेंस चाहिए, तो लेट हम यहाँ पर मान लेते हैं, लेट पॉइंट इज, वो बिंदु है मान लो x y वो बिंदु है, तो उस बिंदु का उससे दूरी, देयर फॉर ये एक पॉइंट है, तो वहाँ से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जिसको हमने सपोज ए बी सपोज कर लिया, तो डिस्टेंस यहाँ पर लिख लो, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू रूट ऑफ, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम x2 मान लें, उसको x1 मान लें, तो हो जाएगा ये x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट, इसको पहले क्या करें, होल स्क्वायर कर लें, ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x-3 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से y का वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ से लाके, तो x²+2 है वो, तो हो जाएगा x²+2 और ये -2 का होल स्क्वायर, दैट इक्वल ये हो जाएगा x-3 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखो यहाँ से 2-2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा x²⁴। ये हमको ए बी स्क्वायर का वैल्यू, अब इस कंडीशन के लिए हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो नाउ सपोज करते हैं हम कि ए बी स्क्वायर को एक फंक्शन सपोज कर लिए जेड, क्योंकि ए बी यहाँ पर एक डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को हम एक न्यू फंक्शन सपोज कर लिए जेड, तो जेड इक्वल टू अपने को मिल जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस e⁴। ओके, y=x²+2 ना, ये क्या लिख लिया मैं, x होगा ना ये,
एक शत्रु का जहाज, स्टेटमेंट तो यही है ना, स्टेटमेंट तो यही है, यही है। चलो ठीक है, कंडीशन फाइंड करते हैं इसके लिए। देयरफॉर डी जेड बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, ये 2x-3 और x-3 का अगेन होगा तो इनटू 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो x टू दी पावर n से 2x^n-1 इसका अगेन हो गया और ये हो जाएगा प्लस 4x³। क्लियर? बट फॉर मैक्सिमम मिनिमा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 0, देयर फोर ये हो जाएगा 2x-3 प्लस 4y³ इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा तो x-3 प्लस 2, बार बार क्यों इसको y लिख ले रहा हूँ भाई मैं, ये है 2x³। 2 कॉमन होकर कैंसिल आउट हो चुका तो ये हो जाएगा x-3 प्लस 2x³ इक्वल टू 0। अब हमको इसको फैक्टराइज करना होगा, 2x³। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 2x³ प्लस x-3, क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा अपने। देखो मैं आपको यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को फैक्टराइज करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें टाइम लगेगा लेकिन मैं एक नया चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, यह आपको पता होगा। कई तरीके हैं वैसे इसके, लेकिन मैं प्रॉपर उसको तोड़ने के बजाय उसको कंप्लीट आपको सिखा रहा हूँ, तो एक रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। That implies, इसको हम लिख सकते हैं 2x³ प्लस x-3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखो ये एक ट्रायल मेथड है, यहाँ पर मैं इसको अलग से आपको नोट करके लिखा देता हूँ, इसको आप ध्यान से समझना। 2x³ प्लस x-3 इक्वल टू 0, जब इस तरह से पावर 3 को फैक्टराइज करना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना तो सबको आता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो इसको ट्रायल मेथड सबसे पहले क्या है, x का यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के देखते जाइए। हम 1, 2, 3, 4 प्लस 1, -1 ऐसा रख के देखते हैं, पहले 1 रखें। यहाँ पर यदि हम x का वैल्यू 1 रखें तो देखो x=1 रखने पर क्या होगा, ये हो जाएगा x=1 पर ये 2 + 1 - 3 और इक्वल टू 0, जो कि सही है। तो x इक्वल टू देखो पहले ही में आ गया, 1 में नहीं आता तो 2 रखते, 2 नहीं आता 3 में रखते, फिर उसके माइनस भी रखते, वो ट्रायल से पता चल जाता है। तो x=1 पर क्या होगा, ये 0 हो गया, तो देयरफॉर ये क्या होता है, x-1 इसका एक फैक्टर होगा, ये x-1 क्योंकि x=1 पर ये 0 वैल्यू दे रहा है तो x-1 क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इस पर उसको डिवाइड करेंगे, तो 2x³ प्लस x-3 इसमें डिवाइड करो, किसको, x-1 को डिवाइड करो तो हो जाएगा 2x² तो 2x² में क्या हो जाएगा, ये 2x³ सॉरी, और ये हो जाएगा -2x² दैट इक्वल, ये माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x² प्लस x-3 ओके। ठीक, अब इसको आगे डिवाइड करो, डिवाइड कंप्लीट होगा तो प्लस 2x के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर यह हो जाएगा 2x² और -2x तो माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर हो जाएगा x-3। कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए ना, कुछ मिस्टेक कर दिएगा, x-1 से डिवाइड किए 2x² तो 2x³ माइनस 2x² ओके, ये कैंसिल आउट हो गया
2x square plus x minus 3 सॉरी ये x प्लस 2x 3x होगा तभी मैं समझ रहा था। अब प्लस वन करें सॉरी प्लस 3 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है और दूसरा जो इसका फैक्टर होगा ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इस तरह से हमको इसे फैक्टराइज करना होता है। ये रफ वर्क है आपका लेकिन मैं यहाँ पर कंप्लीट समझाया। यदि मैं इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आपको लिख दिया होता दैट इम्प्लाइज x माइनस 1 एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 तो आप सोचते रहते कि सर कैसे लिख दिया इसको, इसलिए मैंने पूरे प्रोसेस को आपको बताया। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इसका दूसरा फैक्टर होगा। ओके तो ये प्रोसेस आप लोग समझ लीजिए एक बार ध्यान से और उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसेस करूँगा। ये नोट मैंने समझाया इस तरह से कैसे फैक्टर ये कई जगह आपको काम आएगा। ठीक है टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया मैंने 2x ना 2x प्लस 3। ओके चलें आगे फिर। अब यहाँ पर देखो अब इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ आगे लेके मैं वर्क कर रहा हूँ इसको ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए वो, लेकिन इसको आप रफ वर्क की तरह समझना जो बीच में मैंने लिखा है। अब ये हमारा जो फैक्टर आया है इसको अगेन लिख रहा हूँ मैं x माइनस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक खास बात यह है कि अब ये वाला जो फैक्टर ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वर्ग समीकरण है लेकिन यहाँ पर हो रहा है 3 × 6 तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है देखो 2 तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 3 तो 4 माइनस 24 ये लेस देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 होता है तो वह क्या होता है सब आपने 10th क्लास में पढ़ा है ये फैक्टराइज नहीं होता। ठीक है तो हम उसको फैक्टराइज नहीं करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो देयरफॉर ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 देयरफॉर क्या हो गया x इक्वल टू 1 तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 आ गया। यही x इक्वल टू 1 जो वैल्यू है वो उसका मैक्सिमम ये यूनिक क्वेश्चन है। अभी लास्ट में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराया वो चैप्टर का यूनिक क्वेश्चन है। जनरली मेरा कोशिश होता है कि लिमिटेड क्वेश्चन तो मुझे कराना है तो बेस्ट क्वेश्चन हो, सामान्य एवरेज क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं और करना भी चाहिए आपको। तो x इक्वल टू 1 अब x इक्वल टू 1 को क्या करना है अपने को वहाँ पर पुट अप करना है जो हमको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। देखो क्या दिया है हमको स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं ये एक शत्रु का जहाज ये तो x इक्वल टू 1 के लिए हमको डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्टेंस हम यहाँ पर निकाल के रखे हैं ये डिस्टेंस है हमारा ये तो y का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे x का वैल्यू 1 तो y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और उस वैल्यू को हमको यहाँ पर पुट अप करना है। ठीक है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दैट इंप्लाइज y इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 देयरफॉर y इक्वल टू 3 तो y का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और जब दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर लिया तो हम क्या निकालेंगे उसका डिस्टेंस और ए भी जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में हमारा क्या है x माइनस कौन कौन सा पॉइंट था क्वेश्चन देख लूँ मैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर ये डिस्टेंस था दैट इक्वल रूट ऑफ x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 1 ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या था 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इक्वल
ये 1 - -2 - 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो रूट ऑफ 4 प्लस 3 - 1 ये 1 दैट इक्वल रूट ऑफ 5, दिस इज फाइनल आंसर। इस तरह से जो एनिमी का, जो शत्रु का जहाज है वो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस में है, रूट 5 डिस्टेंस में है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ, फाइनल आंसर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन, और इसको एक बार मैं आपको कंप्लीट पार्ट पार्ट में पढ़ाया, और इसको मैं आपको बता दूं। ये आपको यदि इतना शो हो जाता है तो ठीक है, ये मैंने जो ब्लू इंक से बीच में लिखा है रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए है। आप जब एग्जाम में बनाओगे तो उसको आपको नहीं दिखाना है, आपको सीधा इसके बाद यहाँ से सॉल्व करना है, इसके बाद वहाँ से सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फैक्टराइज कैसे हुआ, ये फैक्टराइज कैसे हुआ। तो ये एक बेस्ट क्वेश्चन है, और इस तरह से मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशन में सभी अच्छे क्वेश्चन करा दिए। बाकी और आप क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के क्लास में एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई टीचर आपको कितना भी पढ़ाए, कितना भी अच्छा क्वेश्चन कराए, कुछ भी करे, वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप न्यू क्वेश्चन में अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे, तब तक आप कमांड नहीं कर सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चन भी आप करते रहिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपके साथ मिलते हैं इंटीग्रेशन लेके। ओके, थैंक यू।